आज कुछ अच्छा खाने का मन है, और अगर वो स्वादिष्ट और चटपटा भी हो तो मजा ही आ जाए। तो आइए बनाते हैं धनिये वाली आलू की सब्जी। चटपटी धनिया आलू सब्जी बनाने के लिए हमने लिया है 3 बड़ी हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा, 10-12 लहसुन की कली, 150 ग्राम धनिया पत्ती और साथ में 4 आलू। इनको मैंने उबाल लिए हैं, उबाल कर छील लिया है। अब हम धनिया पत्ती और मिर्च अदरक लहसुन का एक पेस्ट बना लेंगे। इन्हें मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। इसके लिए मैंने जार लिया है। अदरक लहसुन हरी मिर्च को हम दो दो टुकड़े करके इस तरह से डाल देंगे। 2 चम्मच करीब हम थोड़ा पानी डालेंगे जिससे अच्छे से पिस जाए। देखिए अच्छे से ग्राइंड हो गया है। इसी तरह का पेस्ट हमें चाहिए था। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन करके हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें हम करीब 3 बड़े चम्मच तेल के डालेंगे। इस सरसों का तेल लिया है मैंने। आप चाहें तो कोई भी तेल ले सकते हैं, पर सरसों के तेल में सब्जी स्वादिष्ट बनती है, इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि आप सरसों का तेल लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक चुटकी हींग सरसों का तेल लिया है हमने, तो इसे हमें अच्छी तरह गरम करना है। अगर अच्छे से ये नहीं पकेगा तो इसकी स्मेल आ जाती है, इसलिए इसे हमेशा अच्छे से गरम करें। अब डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। जीरा हमारा पक गया है, तो अब ये जो हमने धनिया मिर्च अदरक का पेस्ट बनाया था ये डाल देंगे। बहुत थोड़ा सा पानी इस जार में हम डाल के वो भी डाल देंगे जिससे हमारा जार भी साफ हो जाएगा। अब थोड़ा हम इसे पकने देंगे, फिर इसमें हम डालेंगे उबले हुए जो आलू थे उनके पीसेस करके वो आलू डाल देंगे। अब मैंने ये आलू कुछ तो हाथ से ही तोड़ लिए हैं और कुछ नाइफ से काटे हैं, तो थोड़ा हाथ से हम काट लेते हैं। तो इस तरह से जो पीसेस होते हैं उनमें अंदर तक जब मसाला चल जाता है तो काफ़ी टेस्टी लगते हैं। इस तरह से इनके पीसेस करके अब हम ये डाल देंगे और इनको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। कई बार ऐसा नहीं होता, हम तला भुना कुछ खा लेते हैं या कोई हैवी खा लेते हैं, तो मन करता है कुछ हल्का खाएं और हल्के के साथ साथ थोड़ा चटपटा भी हो। भाई मेरा तो मन कई बार ऐसे करता है कि क्या बनाऊं क्या खाऊं, तो अगर उस टाइम आप ये सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको। एक बार इसे ज़रूर से ट्राई करके देखें। अब ये हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, नमक आप स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1/2 चम्मच भुना जीरा, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इस सब्जी को पूड़ी, पराठे, नान किसी से भी खाएं, फुलके, बहुत ही स्वाद लगेगी। अब इसमें खटाई के लिए हम डालेंगे 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, इससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। इस तरह से आप सब्जी बनाएंगे तो सब लोग चटकारे ले लेके खाएंगे और एक की जगह 2 ही रोटी खा लेंगे। भाई मुझे तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, मन कर रहा है अभी 1 रोटी लेके खा लूँ, टेस्ट कर लूँ सब्जी। तैयार है हमारी धनिया आलू की चटपटी हल्की सब्जी, अब हम इसे सर्व करेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारी धनिया आलू वाली सब्जी, इसे आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिए और
रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी बनी है आपकी आलू की सब्ज़ी, और कक्कू की किचन को सब्सक्राइब करें।